मध्य प्रदेश सरकार में उठापटक तेज हो गई है। कमलनाथ सरकार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को बंधक बना रही है। वहीं इस दौरान कांग्रेस के एक और विधायक ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा दिया। उज्जैन की तराना से विधायक महेश परमार ने शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान ने 35 करोड़ रुपए देने का और मंत्री बनाने का प्रलोभन दिया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक महेश परमार जी हैं। परमार साहब, बताइए ये क्या चल रहा है, ये प्रलोभन आपको भी कुछ हुआ है? हाँ, मुझे खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रलोभन दिया कि आप आओ भाजपा में, आपको मंत्री बनाएंगे और 35 करोड़ रुपए नगद देंगे और हम पूरा ध्यान रखेंगे, आपको चुनाव जिताएंगे। और वो बिल्कुल ललित हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं सत्ता के लिए। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, कब आपसे? परसों मुझसे बात हुई। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मैंने उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया और मैंने संगठन के जो वरिष्ठ हैं सब लोगों को मैंने तत्काल अवगत कराया कि ये सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं। अच्छा, परमार जी, आपने कोई रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग भी किया उसका, फोन कॉल का? जो आपने नहीं, वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया मुझसे, रिकॉर्डिंग हो पाया। लेकिन आपका दावा है कि आपको उन्होंने प्रलोभन दिया 35 करोड़ का ऑफर? 100% मैं भगवान महाकाल की नगरी से आता हूँ, भगवान महाकाल में रहते हैं, वो भी भगवान महाकाल के भक्त होने का दावा करते हैं। भगवान महाकाल के शिवलिंग पे हाथ रखकर वो बोल दे कि अगर महेश परमार से उनने बात नहीं की तो मैं जीवन भर कभी राजनीति करूंगा, अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आपसे। वहीं सरकार गिराने के कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी पूरी तरह से नकार रही है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का परिणाम है। सबको पता है कि कांग्रेस विधायकों का भविष्य कमलनाथ और कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जितने वादे इन्होंने चुनाव के दौरान किए थे अब तक एक भी पूरे नहीं हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई चल रही है और उसका ही परिणाम है ये, क्योंकि सबको मालूम है कांग्रेस के विधायकों की उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है कमलनाथ जी और कांग्रेस के हाथ में, क्योंकि जितने वादे किए थे उसमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए जो भी हो रहा है ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति है और कांग्रेस के विधायकों का फ्रस्ट्रेशन है, और सरकार और कमलनाथ जी के प्रति गुस्सा है। क्या लगता है, सरकार गिरेगी? देखिए, आगे आगे होता है क्या, पर भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को यही करना था तो उसी दिन बना सकते थे सरकार, जिस दिन हमारे पास 4-5 विधायक कम थे और लोग आने के लिए भी तैयार थे, पर हम इन सब इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते। दरअसल मध्य प्रदेश के 10 विधायक गुड़गांव से सटे मानेसर के ITC होटल में ठहरे हुए थे। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी धनबल और गुमराह करके इन्हें लाई थी ताकि कमलनाथ सरकार अस्थिर हो सके, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश सरकार के 2 मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और 6 विधायकों को वापस ले आए। कांग्रेस का दावा है कि इस पूरे खेल में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के तमाम दूसरे नेता शामिल हैं। अब दिग्विजय सिंह का दावा है कि बाकी 4 विधायकों से भी कांग्रेस संपर्क में है और जल्द ही उनकी वापसी कराई जाएगी। हेमेंद्र शर्मा के साथ धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक।